रिकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोटो पर और दिखाएं अपना हुनर। When I was in school, तुम लोगों को इंग्लिश समझ में आ रही है ना? When I was in school, one of my friend used to play guitar. One of my friend was an all-rounder, means from academics to extracurricular. He was like our Johnny Sins. So they asked me ki, Rohan, what is your talent? तो मैं ये करता था, मैं डांस करने नहीं जा रहा। तो क्लास के बच्चे बोलते थे, अब भाई इसी आवाज में चूतिया बोल के दिखाओ। किसी को हंसी नहीं आई, सॉरी। रिसेंटली अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट हैपेंड इन माय लाइफ। आई वॉज एडेड इन द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप। उससे पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मैं इग्नोर हो रहा था, कोई मुझे भाव नहीं देता था, पड़ा रहता था। एक दिन मैसेज आता है, यू आर एडेड इन द ग्रुप जोशीज रॉक्स। मेरा ये रिएक्शन था, ये क्या चूतिया पाया। सुबह सुबह 5 बजे गुड मॉर्निंग वाले मैसेज फोटो के साथ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है तो सोचो, एक आदमी हर रोज एक नया फूल बनाता है गुड मॉर्निंग के साथ और लिखता है आपका दिन मंगलमय हो। रात में काले बैकग्राउंड में आधा चांद सितारों के साथ, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। एक मेरे मौसा जी हैं ना, वो इस टाइप के मैसेज भेजते हैं, कमेंट में 3 लिखें और जादू देखें, लड़की अपने आप गायब हो जाएगी। ये मैसेज 4 लोगों को फॉरवर्ड करें, बैटरी अपने आप चार्ज हो जाएगी। मैंने 8 लोगों को फॉरवर्ड करा, भाई साहब बैटरियां चार्ज नहीं हुई। अच्छा, एक ना हमारे ये स्कूल के लड़कों का ग्रुप था, एंड वी वर लाइक अ फैमिली। तो नाम था हरामी फैमिली उस व्हाट्सएप ग्रुप का, और उस टाइम पे मेरी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था हमारी फैमिली। मैसेज था, आइए जाने सनी लियोन के बारे में 10 रोचक तथ्य। वीडियो के साथ सेंट टू हमारी फैमिली, मतलब डिलीट फीचर नहीं होता था। मौसा जी ने कहा, भाई ये क्या कर दिया तुमने। मैंने कहा, मौसा इन द हिस्ट्री ऑफ व्हाट्सएप पहली बार किसी का व्हाट्सएप हैक हुआ था नासा के द्वारा। मैंने कहा, वो ना मौसा जी ना वायरस आ गया था, उसने हैक कर लिया था। मौसा जी बोले, थोड़ा फोन से दूर रहा करो भाई, तुमको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, कल व्हाट्सएप में पढ़ा था मैंने। क्या लिखा है साला खुद याद नहीं आ रहा। मतलब ऐसे ऐसे मैसेज भेजेंगे ना, तो पहले धार्मिक टॉर्चर करेंगे। साईं बाबा की फोटो लिख देंगे, कोई नास्तिक ही होगा जो बाबा की फोटो को शेयर नहीं करेगा, ना शेयर करने वाला 10 दिन में मर जाएगा। मैंने शेयर कर दिया। तुम लाख लॉजिकल आदमी हो, तुम शेयर करोगे क्योंकि तुमको डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा, क्या मेरी इंजीनियरिंग का क्या होगा। मैं भूलता जा रहा हूँ, देख रहे हो क्या हो रहा है। अरे मेरा ना फंडा, पहले सब उल्टे सीधे हो गए जो मेरा ना फंडा फिक्स्ड है। जहाँ मैंने 10-15 किलोमीटर लंबे हिंदी के मैसेज देखे, गेंदे के 5 फूल, सदाबहार के 4 फूल, संस्कृत के 8 श्लोक, मैं अनफ्रेंड कर देता हूँ। और जहाँ मैं देखता हूँ ना कि मोदी जी कहाँ है मेरे 15 लाख, पुराणों में लिखा है खूनी बवासीर का इलाज। जहां जहां मैं ये मैसेज देखता हूँ, मैं सीधा ब्लॉक। अरे और ना व्हाट्सएप पे एक सबसे अजीब घटना होती है, जब आपका बर्थडे होता है। मान लो तुम्हारा बर्थडे है, ग्रुप का नाम चेंज हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे रोहन, और मेरी प्रोफाइल पिक्चर लग जाएगी।
केक वाली फोटो, लो बेटा तुम्हारे लिए केक। 2000 के नोट की फोटो, लो बेटा तुम शॉपिंग कर लेना। मैं अभी हांडी पनीर की फोटो भेज देता हूँ, लो अंकल पार्टी कर लेना। अब कायदा तो ये कहता है कि भाई बर्थडे खत्म हो गया, तुम हटा दो फोटो। नहीं, सबके सब तो चूतिया बैठे हैं, वो फोटो एक हफ्ते तक नहीं हटती है। अब तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी फोटो लगी हुई है ग्रुप आइकन पे और मैसेज आ रहे हैं, आशा राम और राम रहीम है चचेरे भाई, हनी प्रीत ने किया खुलासा। ओके थैंक यू वेरी मच। वॉच द लेटेस्ट कॉमेडी म्यूजिक एंड पोएट्री वीडियोस ओनली ऑन नोजोटो ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।